नाचन के रठोहा में 11 जुलाई को चोरों ने लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में पीड़ित सुंदरलाल ने पुलिस थाना बल में चोरी की घटना की शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। सुंदरलाल का कहना है कि चोरों ने अन्य सामान के साथ 7 लाख के गहनों पर भी हाथ साफ किया है। उन्होंने चोरी हुए सामान की लिस्ट पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने FIR में महज 90,000 का आकलन किया है। पीड़ित सुंदरलाल ने कहा कि सर, मेरा नाम सुंदर है, मेरे घर में चोरी हुई है सर, और 11 लाख तोड़े जो सोना चोरी हुआ, 2 जोड़ी पायल की है चांदी की, और दो कांगन की जोड़ी है पोत्री की, और जो है दो इसके दिए जो पौड़िया बोलते हैं जंजीरें हैं सर चांदी की, और 11 तोड़े जो सोना है उसकी कीमत जो है पुलिस वाले सिर्फ 90,000 लगा रहे हैं सर। ये कितना इस गलती को मेरी को सुधारा जाए मान ले, मैं मांग करता हूँ। और लेकिन जो मेरे घर की चोरी हुई उसकी अब तक कोई न्याय जांच नहीं, मैं दरखास्त करता हूँ पुलिस वालों से कि वो मेरी चोरी को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जाए और इसकी जांच किया जाए सर। उधर बल्ह पुलिस के SHO राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि परिवार ने जो गहनों की लिस्ट दी है उसमें अभी तक परिवार ने 11 तोले सोने के बिल वाउचर नहीं दिए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।